डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं। कई सारे आर्टिकल में न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वो आपको बताएंगे। और कई सारे बच्चे परसेंटेज को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि कितनी परसेंट वालों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो उसको भी बताने वाले हैं। जो पहली बार हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सके, और हमारे टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, देखिए अपडेट क्या है बच्चों। इस बार का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ओबीसी वालों के लिए 65.20 रखी गई है। लेकिन क्या है, जिनकी परसेंटेज कम है उनका पैसा क्यों नहीं आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अखबार में कुछ अपडेट निकल के आए, उनके बारे में जानेंगे। प्रतिशत पूरे होने के बाद भी लटकी कई छात्रों की छात्रवृत्ति, यहाँ पर बात की जा रही है। जहाँ से डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही हुआ है, उनका परसेंटेज तो पूरा है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आया। तो यही चीज़ें हैं ओबीसी वालों के लिए इस बार का क्या खंडा उन्होंने रखा है, यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, आर्थिक रूप से सरकार स्कॉलरशिप देती है, लेकिन इस बार ओबीसी वालों के लिए 65.20% का क्राइटेरिया लगा दिया है। और इसमें जो कि आपको पता होगा 21-22 में क्या हुआ था, उसमें परसेंटेज थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार क्या है, जिनका 65.2 या इससे अधिक है उन्हीं का स्कॉलरशिप भेजा गया है। यहाँ पर स्पष्टली आप चेकआउट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इस बार का थोड़ा लोग थोड़ा मतलब एक्शन लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड किस्त का मामला भी आई है कि दोहरी किस्त, दोहरी छात्रवृत्ति लेने को छात्र का मामला जांच में पकड़ा गया छात्र। यहाँ पर देख सकते हो झांसी से ही अपडेट है, यानी पहले ले ली एक और छात्रवृत्ति, अब दूसरा फॉर्म उन्होंने किया तो उनका हो गया रिजेक्ट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बताया क्या जा रहा है, स्कॉलरशिप का ही मामला ये निकल के आ रहा है। मैं आपको बता दूं, कई छात्र छात्रा ऐसे होते हैं दो जगह से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे में उनको एक जगह से छात्रवृत्ति मिल जाती है बट एक जगह से नहीं मिल पाती, तो वही चीज़ें यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आई हैं। आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बोला क्या जा रहा है कि स्कॉलरशिप का आयोग से भी आ गया, और इस तरीके से वहाँ पर इतनी स्कॉलरशिप 15,000 वहाँ मिलती थी तो उसको भी वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ें रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। परसेंटेज क्राइटेरिया 65.20 रही है इस बार, है ना। समाज कल्याण विभाग को फॉर्म ना भेजने के कारण फंसी छात्रवृत्ति, ये अपडेट निकल कर रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का फॉर्म आगे नहीं भेजा गया, जैसे विद्यालयों की छात्र मतलब स्टूडेंट की छात्रवृत्ति फंस गई कि 6 अप्रैल को बच्चों ने घेरा वगैरह किया और स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड ना किए जाने से नाराजगी जताई है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ, 70% छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप फंस चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है छात्र छात्रा इसका प्रदर्शन करेंगे, कल घेरा वगैरह करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। छात्रों ने कहा है कि हम लोग अपना जो स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन वगैरह करेंगे। ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, आप लोग सपोर्ट करो तो हम लोग आपको और भी आगे ले जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सर हमारी इतनी परसेंटेज है हमारी आखिर क्यों नहीं आई। यार देखो, गवर्नमेंट कभी भी कुछ नियम चेंज कर देती है, इनको पहले बोलना चाहिए था कि हम लोग इतनी परसेंटेज वालों को स्कॉलरशिप देंगे, बट इन लोगों ने पहले बोला नहीं, अब बोला है 65 से ऊपर होगी उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपसे 65 से ऊपर परसेंटेज आपकी नहीं आई है तो आपको अप्रैल के अंत में, बोला जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट में आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, और सेकेंड किस्त जिन बच्चों की नहीं आई है उनको परेशान नहीं होना है, जो SC के हैं उनका सेकेंड किस्त इसी मंथ में आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूपी गवर्नमेंट बोल रही है। यहाँ पर चेकआउट भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बच्चों निकल के आई थी, मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, परसेंटेज भी ठीक अच्छी खासी है, यानी 65 से ऊपर है, तो उनका स्कॉलरशिप अप्रैल के लास्ट में भेजा जा सकता है। और जिनकी नहीं आई है उनको तो 10 क्षेत्र पर कॉल करना है और अपनी शिकायत दर्ज कराओ, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। आज की इस वीडियो को इम्प्रेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक